कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले इस शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मधेपुरा सदर प्रखंड के सुखासन चकला वार्ड नंबर 4 निवासी कैलाश ऋषिदेव बीते दिनों देर शाम सिंहेश्वर प्रखंड के बुढ़ावे वार्ड नंबर 13 स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे कि इसी दौरान शाम करीब 8 बजे कुछ बदमाशों ने इनकी बाइक रोक लूटकांड को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन कैलाश ऋषिदेव ने जैसे ही उनका विरोध किया तो उन बदमाशों ने उनके ऊपर गोली फायर कर दिया। गोली उनके पेट में लगी। वहीं आवाज सुनकर वहां पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सिंहेश्वर थाना की कमांडो टीम ने घायल कैलाश ऋषिदेव को जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भर्ती करवाया। वहीं मेडिकल कॉलेज में जांच के दौरान इनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने देखा कि गोली जख्मी के पेट के भीतरी हिस्सों में जाकर फंस गई है। स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद कैलाश ऋषिदेव सहित उनके परिजन काफी असमंजस में आ गए कि अब करें तो करें क्या। इसी बीच इनके किसी जानने वाले ने उन्हें बताया कि इन्हें मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, जहां उनके पिछले माह बदमाशों की गोली से घायल हुए एक परिचित का इलाज करवाया गया था। घायल कैलाश ऋषिदेव को पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल ले जाया गया और पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर संतोष कुमार ने अपनी मेडिकल टीम के साथ उनका इलाज शुरू कर दिया। परेशानी जाए निमंत्रण पूरे सुखासन से चकला कैसे बुढ़ावे फुला ले गली के तंदूरा भी पीछा मोटरसाइकिल से घेर ले तो उतरो मोटरसाइकिल ला जा ले बच्चा भी दे दलिए तैयो गोली मार दे चाहिए गोली मार देलके तो हम और दूर जाकर लोग के चित्र लाग लिए ओकर चाभी हाथ से गिर गए तो कही देंगे चाभी नहीं घटले चढ़ल मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाला अल गाड़ी वाला वो सब जैसे चिकरा ला ले तब भाग गए थे तब वह सब फोर्स का फोन कर फोर्स ऐसा तब वही में ला गए और चांसी ला जाते हैं फोर्स कहाँ लग गए यहाँ का पहले वही हॉस्पिटल पर काम मेडिकल कॉलेज में हाँ अच्छा से कल के उनकी गोली निकालने के लिए डॉक्टर यहाँ नहीं उपलब्ध है तो रिफर पटना के दल के हमारे कर कुटुमार छे रानी फुटी के उसे फोन करके ऐसे अलग से ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया इलाज है आप क्या लग रहे हैं यहाँ के आप ठीक छे स्वस्थ लग रहा है हाँ कंटा परेशानी बुझले दिन में फिर अखन बहुत बढ़िया से कई घंटों तक चले सर्जरी के बाद जख्मी कैलाश ऋषिदेव के पेट में फंसी गोली को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर संतोष कुमार बताते हैं कि मरीज को पेट के दाहिनी तरफ गोली लगी थी। हमने अपनी पूरी टीम के साथ इनका इलाज शुरू किया। मरीज की स्थिति काफी गंभीर थी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मरीज अब रिकवर कर चुके हैं और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेरे यहाँ 23 फरवरी को इसी मंथ में यानी कि 4 दिन पहले शाम को करीब 7:30-8 बजे एक पेशेंट मेडिकल कॉलेज से आया था। रेफर्ड केस था बुलेट इंजरी का, जिसका नाम कैलाश ऋषिदेव है जो 52 ईयर्स का है, सुखासन चकला का रहने वाला है। और जब यहाँ आया तो वाइटल स्टेबल था, वो वॉक करता हुआ आया। एब्डोमिन में पेट में गोली मारा था उसको और दाहिने साइड में पेट में अपर पार्ट में गोली मारा था। तो आने के बाद फिर हमने उसका पूरा वर्कअप किया। सीटी स्कैन के लिए मैं खुद गया, सीटी स्कैन किया और ब्लड वगैरह लेने के बाद देखा कि इसका जो रेडियोलॉजिस्ट से बात करने के बाद हमने ये देखा कि ये जो राइट कोलन को परफोरेट करता हुआ राइट कोलन के अंदर में पड़ा हुआ था गोली बुलेट, और राइट कोलन और आपको लीवर का 7th सेगमेंट को फाड़ दिया था इसने, मतलब टियर था, डीप टियर था जो ब्लीड कर रहा था।
और पैंक्रियास के एरिया में ये हेड ऑफ पैंक्रियास के पास में वहाँ से ऊजिंग हो रहा था। तो ड्यूडनम वगैरह नॉर्मल था, हमने राइट हेमिकोलेक्टमी किया, हेमिस्टेसिस अचीव किया और पेशेंट बेटर है। पेशेंट आज फोर्थ पोस्ट ऑफ डे है, वॉक कर रहा है, जो मैंने इलोस्मी बनाया था उससे फेकल मैटर आना शुरू हो गया है। पेशेंट अब भूख की इच्छा जाहिर कर रहा है, खाने की कुछ जाहिर कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है। थोड़ा सा हेमोग्लोबिन इसका डिप कर रहा है, ड्रेन में हल्का सा आ रहा है, तो टेनेक्सा हम दे रहे हैं, ये सेटल डाउन हो जाएगा, कोई मेजर ब्लीड नहीं है और ये सेटल डाउन हो जाएगा, बाकी पेशेंट ठीक है और हम इसको ओरली कल से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह के जो पेशेंट आते हैं बेसिकली बाहर रेफर कर दिया जाता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम हर तरह के पेशेंट लेने को रेडी है, पाटलिपुत्र हर तरह का पेशेंट ले रहे हैं।